किसी भी काम को लंबे समय तक करने वाला अनुभव के आधार पर उस कार्य में बेहद पारंगत हो जाता है और उसके अनुभव का लाभ उठाने के लिए कई लोग उसके निर्देशन में काम सौंप देते हैं। यहीं से शुरू हुई ठेकेदारी, लेकिन अब ठेकेदारी का रूप किस तरह बदल गया है इस बात से आप सब लोग वाकिफ तो होंगे ही, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन में, डिजाइनिंग में, निर्माण कार्य में ठेकेदारी हो तो ये आम बात है, लेकिन अब तो बच्चों के भविष्य गढ़ने वाले शिक्षक ठेकेदार बन गए हैं। पलामू के शिक्षक की कारस्थानी तो देखिए कि बच्चों के भविष्य निर्माण को उसने ठेका पर लगा दिया है। ये मामला पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड स्थित घुटुआ गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का है। उस विद्यालय में बतौर सरकारी शिक्षक पदस्थापित कुंदन कुमार ने अपने जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को स्कूल में पढ़ाने के लिए छोड़ दिया और खुद गायब रहते हैं, दूसरे काम में लगे रहते हैं। जिस काम के बदले उन्हें सरकार से सैलरी मिलती है उसका एक छोटा हिस्सा देकर किसी दूसरे व्यक्ति से बच्चों को शिक्षा दिलाने का ठेकेदारी कर रहे थे। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पलामू के उपायुक्त अंजनेयुल्लू दोड्डे से की थी। शिकायत पर गंभीरता से उपायुक्त ने सहायक समाहर्ता श्रीकांत बिस्पुत्ते से जांच करवाई। जांच में मामला सही पाया गया। जांच कर रहे सहायक समाहर्ता श्रीकांत बिस्पुत्ते को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक सरकारी शिक्षक कुंदन कुमार महीनों से गायब रहते हैं। खुद के स्थान पर गांव के ही एक व्यक्ति मोहन कुमार से शिक्षण का कार्य करवाते हैं। जांच में अधिकारी ने पाया कि स्कूल में बच्चों के शिक्षा का स्तर भी गिरा हुआ है। हालांकि जांच की भनक लगते ही मोहन कुमार मौके पर से फरार हो गया। इस मामले में उपायुक्त ने त्वरित संज्ञान लेते हुए सरकारी शिक्षक को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य से खेलने वाले शिक्षकों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले भी पलामू उपायुक्त कस्तूरबा आवासीय विद्यालय चैनपुर में गणित के शिक्षक को निलंबित कर चुके हैं। उपायुक्त के द्वारा किए जा रहे इस कार्रवाई से जहां लोगों में हर्ष का माहौल है, वहीं अब वैसे शिक्षक जो अपने कर्तव्य से भागते हैं उनमें खलबली मची हुई है।